स्पाइक फिश, ये नाम के साथ हमारे जो दोस्त अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोगों से बात कर, जो अभी मोबाइल के उस पार में है, आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ दोस्तों के रेड पाइक के बारे में या पाइक फिश के बारे में। हम लोग बहुत सारे दोस्त हैं जो सुने होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो पाइक फिश के बारे में अननोन है। ये कैसा फिश है, कितना बड़ा टैंक में रखा जाता है, कहाँ से आया ये फिश, फिल्टरेशन एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होता है, कौन कौन सा फिश के साथ इसको रखना सही होगा, ये क्या नॉर्मल मॉन्स्टर वैरायटी का फिश है या फिर सॉफ्ट वैरायटी का फिश है, खाने में क्या खाता है, ये सब इस वीडियो में कवर होगा दोस्तों। पाइक फिश भले मुझे पता है कि शायद बहुत कम हॉबिस्ट के पास है, क्योंकि वाइल्ड कॉड है, न्यू वैरायटी है और थोड़ा प्राइस भी इसका ज़्यादा रहता है, तो शायद अभी सबके पास नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। जैसे हम लोग थोड़ा पास्ट में चले जाए तो एक टाइम था जब हम लोग 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का फिश से हॉबी करते थे, लेकिन आज वही मेरे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार या उससे भी ज़्यादा महंगा फिश आज उनके घर में है, उनके एक्वेरियम में है। सो दोस्तों, इसीलिए पाइक फिश के बारे में डिटेल्स में ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, और वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कभी कभार हम लोग सब्सक्राइब करना, तो पहले से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे यूट्यूब इसको उतना फैलाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम लोग यशोक को ऐसा कम्युनिटी बने जिससे बहुत सारा नॉलेज बहुत सारे हॉबीज़ के पास जाए, सो जाके हर कोई अच्छे से अपना फिश रख पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेन पार्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये पाइक फिश रखने के लिए टैंक साइज क्या होना चाहिए और उसमें क्या डेकोरेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार बताते हैं फ्यू फिश नीड डेकोरेशन एंड फ्यू आर नॉट, तो इसके लिए डेकोरेशन चाहिए या बियर टैंक रखना पड़ेगा, वो जानते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि ये पाइक फिश आया कहाँ से है, मतलब कहाँ का स्पीसीज है। तो ये जनरली उरुग्वे, ब्राज़ील, यहाँ का कुछ रिवर में इसको पाया जाता है, और अमेज़न का जो बेसिंग है वो रिवर में भी इसको पाया जाता है। ये पाइक के कुछ अलग वैरायटी है जो ईस्टर्न यूरोप, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे भी पाया जाता है पाइक के कुछ अलग वैरायटी। वो जैसा वीडियो आगे बढ़ेगा उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जनरली फ्रेश वाटर फिश है और थोड़ा ब्लैकिश वाटर में रहता है। आप ज़रूर ड्रिफ्ट उट देके, बॉग उट देके एक डेकोरेशन कर सकते हैं टैंक का, लेकिन ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर ग्रुप का फिश है, थोड़ा भाग दौड़ टैंक के अंदर करते रहता है, तो ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा तो इसको तकलीफ होने वाला है, तो वो आप ध्यान में रखें। पाइक के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ, कुछ हद तक पाइक सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है। हाँ दोस्तों, सॉल्ट वाटर। दोस्तों, फिश को अगर हेल्दी रखना है ना, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर को सही रखना। अगर आप पानी को सही रखेंगे और पानी को सही रखने के लिए फिल्टरेशन सिस्टम अगर बढ़िया देंगे, तो पानी ऐसे ही क्लियर रहेगा और आपका फिश भी बढ़िया रहेगा, और उसके साथ वाटर चेंज कितना जल्दी करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस पार्ट में हम लोग उस बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैं ये बात बताया हूँ आप लोगों को कि सारा गेम पानी का है। एग्जैक्टली, अगर आप वाटर सही से मेंटेन कर पाते थ्रू फिल्टरेशन, वाटर चेंज, मेडिसिन, साइफोनिंग एंड ऑल, तो आपका फिश का लाइफ स्पैन भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा। यहाँ पे भी सेम है दोस्तों, मॉन्स्टर वैरायटी का फिश है तो हाई प्रोटीन वाला खाना खाते रहता है, कार्निवोरस टाइप ऑफ फिश है, तो यहाँ पे अगर आप टॉप फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर, अगर कैनिस्टर फिल्टर लगा पाए तो बढ़िया,
एक वेब मेकर या फिर पावर फिल्टर जिसमें थोड़ा अच्छा फ्लो हो, और अगर आपके पास सम सिस्टम है तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये फिल्ट्रेशन सिस्टम अगर बढ़िया आप दे पाते हैं, क्योंकि ये हार्डी फिश है, मॉन्स्टर ग्रुप का फिश है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन दिए तो इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन के वजह से इनका हेल्थ, कलर, क्वालिटी सब बढ़िया रहेगा। तो जैसे आप एरोना को, ऑस्कर को या सिमिलर वैरायटी का जो एग्रेसिव फिश है, उनको जैसे बढ़िया से मेंटेन करने के लिए जिस तरीके का फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, आपके पाइक फिश के लिए या रेड पाइक फिश के लिए वो फिल्ट्रेशन ज़रूरी है, आप वैसा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। कभी हम लोग देखते हैं कि कोई फिश देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, और जब हम लोग सेलर के पास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत शांत स्वभाव का है, बिहेवियर एकदम कूल है, लेकिन जैसे हम लोग एक्वेरियम में डालते हैं वो दूसरे फिश को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, एग्रेशन दिखाता है। तो इसके लिए ये भी जानना चाहिए कि ये जो पाइक फिश है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो क्या एग्रेसिव है या फिर सॉफ्ट नेचर का है या सेमी एग्रेसिव है, और इसका अगर मेल फीमेल की हम लोग बात करें तो वो कैसे पहचाने। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग थोड़ा यहाँ पे गौर करते हैं। रेट पाइक फिश या पाइक फिश, दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, ये मॉन्स्टर ग्रुप का फिश है, और मॉन्स्टर ग्रुप का फिश में ज़्यादातर थोड़ा एग्रेसिव फिश ही होता है। पाइक भी सेम क्वालिटी का है, ये भी एग्रेशन दिखाता है, दूसरा छोटा फिश हुआ तो ये एग्रेशन दिखाएगा। और अगर जोड़ी की बात करें तो मेल फीमेल में मेल हमेशा थोड़ा छोटा होगा और वो जोड़ी का फीमेल थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे और एक बताता हूँ, पाइक फिश का ना टिथ होता है, लेकिन उसका शेप थोड़ा अलग होता है, वो च्यू नहीं करता है, वो चूड़ कर देता है, मतलब एकदम तोड़ देता है फूड को, खाना को जो उसके मुंह के अंदर जाता है, क्योंकि उसका टिथ का, दांत का शेप कुछ उस तरीके का है। आप लोग थोड़ा सा गूगल में जाके इन डिटेल्स में इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको आगे पता भी चल जाएगा। कोई भी फिश कितना हेल्दी रहेगा, कितना बढ़िया होगा, लाइफ स्पैन कितना बढ़िया रहेगा, ये सब डिपेंड करता है उसके खाने के ऊपर, मतलब वो क्या खाता है ये तो जानना चाहिए, और बढ़िया से कैसा खाना खाएगा, हेल्दी कैसे खाना खाएगा, अच्छे से फीडिंग करेगा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना एकदम ताबड़तोड़ खाना खा रहा है, बढ़िया से खाना खा रहा है, तो वो कैसे खाएगा और क्या खाएगा, ये इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे। कार्निवोरस फिश है पाइक फिश, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और थोड़ा एग्रेसिव भी है, खाना बहुत फास्ट खाता है ये, मतलब जैसा खाना गिरा तो उस पर टूट पड़ता है, बहुत सारा फिश का ऐसा नेचर है। खाने की बात करें तो पैलेट्स और फ्लेक्स फूड भी खा लेता है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो थोड़ा देख के आपको देना पड़ेगा। लाइव फूड, फ्रोजन वर्म्स, फ्रोजन फूड, श्रिम्प या फिर फीडिंग फिश, ये सब खा लेता है, समटाइम एल्गी वेफर भी ये खा लेता है। सो दोस्तों ऑलमोस्ट सब तरीके का खाना खाएगा, लेकिन हाँ ये जैसा ही नया जगह पे जाता है तो थोड़ा सा साइनेस दिखाता है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन मत कीजिएगा। दोस्तों ये जो रेट पाइक फिश के बारे में जनरली हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका लाइफ स्पैन और बाकी जो पाइक फिश है उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि एग्जैक्टली लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कितना दिन तक ये जिंदा रहेगा एक्वेरियम में, वाइल्ड में, ये बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे, और उसके साथ थोड़ा ना वैरायटी के ऊपर बात करेंगे, मतलब इन जनरल पाइक का तो बहुत वैरायटी होता है, लेकिन इन जनरल क्या क्या वैरायटी मिलता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए पाइक की अगर हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें तो इन जनरल 7 से 10 साल हम लोग ये गूगल करेंगे तो जान पाएंगे, लेकिन दोस्तों वैरायटी के हिसाब से और ये पाइक कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ ये रहता है उसके हिसाब से भी इसका लाइफ स्पैन बढ़ता है। कभी कभार पाइक का 10, 12 या 15 साल भी जिंदा होता है, और जो हाईएस्ट जिंदा था वो 20 साल के ऊपर था, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। पाइक में जैसा रेड पाइक, येलो पाइक, टाइगर पाइक,
पाइक का और एक वैरायटी आता है जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, पिकरल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ड्वार्फ पाइक जो सबसे छोटा पाइक होता है, तो पाइक का जनरली 7 वैरायटी पाया जाता है, लेकिन अगर डिटेल्स में जाएंगे तो उन 7 वैरायटी का भी और भी अलग अलग वैरायटी है। जब हम लोग पाइक के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा पिकरल के बारे में भी बात करना जरूरी है। वो क्या है इस वीडियो में अभी आगे मैं दिखाऊंगा। ये सेम फैमिली से है और आप इसको इसका मतलब बोलते हैं ना जुड़वा भाई, वो भी बता सकते हैं, क्योंकि देखने में लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ फर्क है। वो क्या है इस पार्ट में हम लोग बताएंगे। और दोस्तों, पाइक और पिकरल की बात करें तो पाइक को और एक नाम से पुकारा जाता है जो है नॉर्थन पाइक, और पिकरल को चेन पिकरल। यहाँ पे अब डिफरेंशिएट थोड़ा करते हैं। पाइक जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है देन द पिकरल, और पिकरल के बॉडी में ना स्पॉट बहुत ज़्यादा होता है। पाइक का भी होता है एज पर वैरायटी, लेकिन उसके फिन में ज़्यादा होता है। पाइक की जो मुंह का शेप है ना वो अलग होता है और पिकरल का थोड़ा सा अलग होता है। बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इसके ऊपर तो जान पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये दोनों का दांत या टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होता है। दोस्तों अभी हम लोग दिखाएंगे कि हमारे पास जो बाइक है उसका थोड़ा एक झलक, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो रेगुलर विजिट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों टाइम टू से गुडबाय, लेकिन गुडबाय कहने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा रिक्वायरमेंट, बहुत सारा प्यार आ रहा है कि इसके उसके इसके ऊपर वीडियो बनाइए। सारा काम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है जिनके ऊपर आप लोग भी डिपेंडेंट रहते हैं। सो वो इन्फॉर्मेशन अगर जल्दी बारी में गलत इन्फॉर्मेशन चला जाए तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम लोग ज़रूर आप लोगों को अपडेटेड न्यू वीडियो देते रहेंगे अलग अलग फिशेस के ऊपर। दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम में हैं तो फॉलो कीजिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर के साथ मैं पर्सनली बात भी करता हूँ। और आप लोग अगर फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा आईडी ये है, जाके यहाँ भी फॉलो कीजिए। और यूट्यूब में तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं फॉलो करके रखिए अपडेटेड और एक्सट्रीम ब्यूटीफुल नॉलेजेबल वीडियो के लिए। वीडियो यहाँ खत्म करेंगे, सबाई खूब भालो रखबें, निजेदेर माझे भालो रखबें, आपातत नमस्कार।